बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को DCGI से इस्तेमाल की अनुमति मिलने के साथ ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं शशि थरूर और जयराम रमेश ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को ग्रीन सिग्नल देने पर चिंता जाहिर की है। शशि थरूर ने कहा है कि कोवैक्सीन ने अब तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं किया है। इस वैक्सीन को पहले ही अनुमति दे दी गई है और ये खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी ऐसे ही सवाल उठाए हैं और उन्होंने इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से जवाब मांगा है। बता दें कि आज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस ग्रीन सिग्नल के बाद इस वैक्सीन को आम लोगों को लगाया जा सकेगा।